नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और हमारी न्यूज़ देखने के बाद में इसको लाइक करना और कमेंट्स करना न भूलें कि आपको ये हमारी न्यूज़ कैसी लगी। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी में, जहाँ पर अनाज मंडी स्थित किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की संगठन जिला रेवाड़ी की एक आवश्यक बैठक हुई। प्रधान समय सिंह की अगुवाई में संगठन के जिला पदाधिकारियों एवं सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक सदस्य जोड़ने पर और आगे की रणनीति के बारे में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समस्त पदाधिकारी अपने अपने नज़दीकी क्षेत्रों के गाँवों में सघन संपर्क कर संगठन से अधिक किसानों को जोड़कर सदस्यता बढ़ाने का पूर्ण प्रयास सदस्यता में इजाफा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 23 मार्च को शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह वाली पीली पगड़ी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। 26 मार्च को सुबह 10 बजे से रेवाड़ी में बंद एवं चक्का जाम का आयोजन कर प्रदर्शन करेंगे। 28 मार्च होली के दिन तीनों काले कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन करेंगे। बैठक में रेवाड़ी जिला प्रधान समय सिंह के साथ जिला उपप्रधान कुलदीप सिंह भूडपुर, युवा जिला प्रधान कमल यादव, बावल प्रधान जगदीश गुजर, कोसली ब्लॉक प्रधान सवाचंद रंबरदार रोजूवास, जाटूसाणा ब्लॉक प्रधान दया किशन डोकिया, रेवाड़ी ब्लॉक प्रधान चुनीलाल, जाटूसाणा ब्लॉक उप प्रधान तरुण कुमार, रेवाड़ी ब्लॉक उप प्रधान गुगन सिंह उर्फ राजकुमार, कार्यकारिणी सदस्य पूर्व सरपंच आजाद उमेश यादव वालावास, सुरेंद्र कुमार रोजूवास, महेंद्र सिंह गंगायचा जाट बैठक में उपस्थित थे। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने किसान नेताओं से बात की। तो आइए चलते हैं अपने संवाददाता राजेश शर्मा के पास। हमारा एजेंडा आज का यह है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की जो मीटिंग बुलाई है उसका एजेंडा है 26 तारीख को संयुक्त मोर्चा की कॉल पर भारत बंद का जो आह्वान है उस बारे में हमने अपने संगठन से आज बातचीत करी है। कुछ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि वो गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। 26 तारीख को हम रेवाड़ी बंद करने की भी सफल बंद करने की कोशिश करेंगे। इस मामले में हम एक बार संयुक्त मोर्चा से मीटिंग लेंगे एक दो दिन में। अगर संयुक्त मोर्चा सारा इकट्ठा होकर काम करेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी रेवाड़ी बंद करवाने की पूरी कोशिश करेगी, बंद करवाएगी। ये जो हमारी 19 तारीख की मीटिंग थी, इससे पहले हमने मीटिंग तय निश्चित कर ली थी और उस मीटिंग में उस भारत बचाओ वो किसान बचाओ उसके माये हम शामिल नहीं हैं। नहीं, संगठन कमजोर नहीं पड़ा है, काम हो रहा है, लावनी चल रही है, किसानों को खेतों से फुर्सत नहीं है। ये सिर्फ 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन भी रेवाड़ी का भी संगठन मजबूत होगा, बोर्ड रोड पे जो हमारे किसान साथी बैठे हैं वो भी बहुत होगा। अब कूलर लगने हैं, पंखे लग रहे हैं, व्यवस्था बन रही है, कूड़े छप्पर छान जा रही है, 15 दिन बाद तो नज़ारा ही कुछ अलग होगा। और अगर अब तो आर पार की लड़ाई के मूड में किसान दिख रहे हैं, जो सरकार की रणनीति थी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम जिन्हें एमएलओ ने सरकार के पक्ष में वोट गए, हमें चिंता है श्रीवाड़ी अहिरवाल की। आज मीटिंग बुलाने का मेन एजेंडा है कि हमें चिंता है कि हमारा एमपी एमएलए यहाँ रोडों पे घूम रहा है, वहाँ 60-70 एमपी एमएलए परली साइड में जाकर दिखा, जो अपने घर भी नहीं जा सकते, वो अपने घर भी नहीं जा सकते। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एमपी एमएलए मुख्यमंत्री अपने हल्के में नहीं जा सकते, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा आज़ादी के टाइम हुआ था, जैसे अंग्रेजों को भगा रहे थे ऐसे इन नेताओं को भगा रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा जी। उससे ज़्यादा सर्दियों में तो पानी का काम था, सर्दी थी, अब तो 15 दिन बाद फसल कट जाएगी, लोगों का काम ही नहीं है, फिर ये आंदोलन ही में आंदोलन में काम करेंगे। आज की जो भारतीय किसान यूनियन जिला रेवाड़ी की मीटिंग है वो प्रधान समय सिंह जी की अगुवाई में रखी गई है, विशेषतया कि जो अभी तीनों कृषि काले कानूनों को विरोध में और एमएसपी को गारंटी बनाने के पक्ष में जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे कार्यक्रम चल रहे हैं उसी के अंतर्गत हमने आज मीटिंग लेके यहाँ रेवाड़ी ज़िले में मजबूती के लिए क्या और हमारे प्रसंग हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके आधार पर वार्ता करने के लिए मीटिंग बुलाई है। जो कि अब जो 26 तारीख का भारत बंद का आह्वान है उसमें क्या रणनीति तैयार करके हम अपनी वो पार्टिसिपेट करें।